पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पार्टी का ये आंतरिक मामला है, पार्टी से देखे और उन्हीं से पूछिए। कुछ लोग छपने के लिए बयान देते हैं, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर कहा कि हर पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम होता है, उसके बाद हम लोग एक साथ बैठेंगे। काहे के लिए सब बात करेंगे, आप क्यों आए हैं, हम लोग सब एक साथ काहे हो गए, तो कोई कहीं इधर उधर बात थोड़ी है। कोई किसी तरह से सोचना, बात कोई करना स्थिति के बारे में, तो उसमें कोई बात नहीं। सुधाकर जी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई बोलता है वो तो नहीं, वही तरफ पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सबका नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन वही पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना, ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के लोग काम कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही तो उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। झूठ फूट के खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है, इसलिए ना सबको मौका मिलता है, तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही ना करते हैं। आप जान लीजिए, हम हमारा चाहे जो भी कर लीजिएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आप सब लोगों का चाहेंगे कि खूब बढ़िया रहिए, खूब बुलंद रहिए और खूब आगे बढ़िए, और जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर आपको बढ़िया से इज्जत दे, ठीक से दे, काम करा दे। ठीक है सर, चाहते हैं सर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपकी यात्रा का जनता अब जबरदस्त विरोध करेगी। कौन? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कोई नोटिस हम लेते हैं, जरा बताइए आप लोग भी सोच रहे हैं, आपको लगता है ये अच्छा? चलिए अगर हम जा रहते हैं तो देखिए ना, बहुत लोग देखते रहता है, ये सब कोई मतलब है नहीं, सबको क्या सेंस है। हम कहीं किसी पर बात करते हैं तो कुछ लोगों के बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करते, इन लोगों के बारे में हमसे मत पूछिए। क्या किया यार, क्या मालूम है। ठीक है सर, माइक दे दो यार। हम तो जो काम कर रहे हैं कर ही नहीं।